गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने का एक वर्ष पूर्ण हो गया है। अब वहां पे आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में रहने वाला गोरखा समाज काफी राहत महसूस कर रहा है। अब उन्हें यहाँ की नागरिकता और अन्य अधिकार मिले हैं। महाराजा गुलाब सिंह की सेना का अहम हिस्सा रहे गोरखा समाज के लोगों की उपेक्षा 1947 के भारत की आजादी के बाद शुरू हुई। 1989 के बाद सेना में भी इनके लिए विशेष भर्ती रैली बंद कर दी गई थी। नौकरी न मिलने एवं अन्य परेशानियों के चलते कई परिवार बाहरी राज्यों की ओर पलायन कर गए थे। जो यहाँ रह रहे हैं वह भी अपने अधिकारों से वंचित थे। पिछले साल 5 अगस्त को 370 आर्टिकल और 35A हटने के बाद इनको इनके अधिकार वापस मिले हैं। समाज के लोग कहते हैं कि देश तो 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाले गोरखा समाज को पिछले साल 5 अगस्त को ही वास्तविक आजादी मिली। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद उनको उस तरह के परिणाम नहीं मिले हैं जैसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि नए जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अब भी चरम पर है। विकास परवान नहीं चढ़ सका है। टोल प्लाजा की संख्या बढ़ने और इंटरनेट की समस्या से भी यहां के गोरखा समाज के लोग परेशान हैं। लोग बताते हैं कि महाराज गुलाब सिंह के समय लगभग 200 साल से पहले की अवधि में यहां पे गोरखा समाज के लोग आए थे। गोरखा समाज के लोग ज्यादातर सेना में रहे। अब यहां पांचवी पीढ़ी रह रही है। उन्हें सबसे पहले श्रीनगर के मगरमल बाग इलाके में रखा गया था। महाराजा हरि सिंह के समय ऊंचे ओहदे वालों को PRC भी दिया गया था। साल 1947 के बाद समाज की उपेक्षा की जाने लगी थी। 1989 तक आते आते गोरखा समाज के लिए सेना में भर्ती रैलियां भी आयोजित जो की जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया था। नौकरी न मिलने पर कई परिवार हिमाचल प्रदेश, देहरादून, दार्जिलिंग, शिलोंग एवं अन्य पूर्वोत्तर के राज्य में शिफ्ट हो गए थे। अब उन्हें हक मिला है। करुणा छेत्री जो JNK गोरखा सभा की अध्यक्ष है, उनका कहना है कि यहाँ पे तमाम तरह की विसंगतियाँ पिछले 70 साल से गोरखा समाज के लोगों ने झेली है। अब उम्मीद की जाती है कि आने वाला भविष्य उनके लिए बेहतर संभावनाएं लेकर आएगा। 19 को जब ये 370 35 हटा तब हमें लगा कि हाँ, आज हम एक भारत और जम्मू कश्मीर का एक हमें एक मतलब कि एक आइडेंटिटी मिली है, हमें एक पहचान मिली है। आज हमारे साथ मौजूद है सीधे जम्मू से भारतीय गोरखा परिसंघ के जम्मू कश्मीर राज्य के अध्यक्ष कर्नल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह बुढ़ा थोकी जी। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। एक साल पूरे हो गए हैं आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने का। एक साल में गोरखाली समाज ने क्या पाया, क्या खोया? हमारे पास पहले परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं था, जिसको हम PRC बोलते थे जी। उस PRC के मुताबिक ये था कि हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, हमारे बच्चों की भर्ती वगैरह बंद हो गई थी, हमारे बच्चे नहीं अपने 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 स्टेट में नौकरी नहीं कर पाते थे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ना ही कम जगह खरीद सकते थे हम, मतलब हमको कोई फैसिलिटी नहीं थी जी। हमको एक वोट बैंक बनाया गया था, बस उसके आधार पर हम चल रहे थे। लेकिन ये 370 टूटने के बाद में जब से डोमिसाइल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया ना, इससे हमारी जितनी मुश्किलें थी तक सब खत्म हो गई जी। जी जी सर, जिस तरह से नेशनल मीडिया में खबरें आ रही थी कि 6000 से ज्यादा अधिक पूर्व गोरखा सैनिकों को भी आपका ये वहां पे नागरिकता का एक सर्टिफिकेट दिया गया, तो सर इसके अलावा कई लोगों के मन में है कि केवल पूर्व गोरखा सैनिक ही नहीं, उसके अलावा गोरखा समाज के कितने लोगों को अभी तक इस तरह का नागरिकता प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया जा चुका होगा? ये अभी प्रोसेस चल ही रहा है, अभी सबको नहीं मिला है, सबने अप्लाई कर रखा, सबको मिलने वाला है, ये मिल जाएगा सभी को। वैसे मैं अभी बता दूं आपको कि जो बता रहे ना कि 6600 करीब जो पेपर में आया था कि इतने यहाँ पे वो मतलब वो
रिटायर्ड लोग हैं, फौजी लोग हैं, वो बात गलत है। हमारा टोटल मिला के यहाँ पे 6,000-7,000 से ज्यादा आबादी नहीं है टोटल गोरखा की। जी जी, तो जितने भी हमारे गुस्खा जो है उनको सबको स्टेट, जो भी यहाँ के रहने वाले थे जो यहाँ पे रह रहे हैं, हम आज से नहीं, यहाँ तकरीबन 2,200 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जी जी जी, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे लड़ाई भी करी है जिसको बोला देश को बनाने के लिए, स्टेट को बनाने के लिए, लेकिन उनको स्टेट से नहीं दिया गया था। जी जी, अब हमको सबसे बड़ा फायदा कि अब हम कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, मतलब स्टेट में भी कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब है, सिविल जॉब है, पुलिस है, सीआरपीएफ वगैरह कहीं अप्लाई कर सकते। साथ ही इन्होंने बाद में तरीके को कोई 1986 के टाइम में इन्होंने आर्मी में भी हमारा भर्ती बंद कर दिया था कि उसमें 83 लागू करने का लागू कर दिया था हम लोगों। अच्छा सर, मतलब कश्मीर का हमारे फौजी जो फौजी फौज में जाना भी लोग बंद हो गए थे, अब हमको ये फायदा कि अब हमारे दोबारा से लोग फौज में जा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर इसके अलावा कई तरह के वहाँ पे सामाजिक दिक्कतें आती रही होंगी, आप लोगों ने भी बहुत लंबा समय अपने जीवन का वहाँ पे दिया है, तो सर किस तरह की सामाजिक बदलाव कितना हुआ है वहाँ पे? अभी हो रहा है, अभी एकदम से नहीं हुआ है, अब हो रहा है, लोगों में जागृति आ रही है, लोगों ने अपने सभी काम में अप्लाई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारे बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलती थी, नहीं टेक्निकल में एजुकेशन जिनको एडमिशन मिलती थी वो पीआरसी की वजह से, अभी वो अड़चने सब खत्म हो गई है। तो हमको ये उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी सहूलियत एक स्टेट बाकी लोगों को मिलता है, बाकी कम्युनिटी को मिलता है, हमको पूरी वो सहूलियत मिल जाएगी। सर इसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर में किन किन इलाकों में गोरखाली समाज की वहां पे बसावट है और कहां कहां पे ये रहते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी बताएंगे? देखिए जी, खास जम्मू में तो दो जगह है बेसिकली, जम्मू मतलब टाउन के अंदर, एक तो है गोरखनगर। जी जी, और दूसरा है ये नई बस्ती। जी जी, इसके अलावा यहाँ तालाब तिल्लू में भी है और ये बन तालाब में भी है, यहाँ पे मिश्री वाले में भी है, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे करके सब जगह बैठे हुए, लेकिन मेन जो है ना ये जम्मू के गोरखनगर में और ये नई बस्ती में रहते हैं लोग। इसके अलावा जी जी बताइए सर, कंटिन्यू। इसके अलावा जो है ना बाकी छोटे 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 गाँव गाँव में भी है, बसोली में है, उधमपुर में है, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं पुंछ रजौरी में है, मतलब चारों तरफ के छिड़के हुए हैं, वहीं जाके उन्होंने अपना बसन बनाना शुरू कर दिया। सर इसके अलावा जैसे घाटी में भी किसी तरह की गोरखा बसावट है कि नहीं अभी? सबसे पहले शुरू में जब गोरखा आए थे ना वो घाटी में ही रहे थे वो। जी जी, लेकिन घाटी में इनके साथ बर्ताव ठीक नहीं हुआ तो घाटी छोड़ करके फिर वो ज्यादातर जम्मू की तरफ आ गए थे। अभी भी है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं वहाँ पे, अभी भी है, लेकिन ज्यादातर फैमिली भी जो है ना जम्मू में शिफ्ट कर गई। अच्छा अच्छा सर। तो इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर के गोरखाली समाज के लोग हैं एवं वो लोग जो गोरखा समुदाय को काफी सम्मान देते हैं, उनके मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि गोरखाली समाज और जम्मू कश्मीर का रिश्ता क्या है, कि इसके बारे में अगर कुछ प्रमुख चीजों में अगर आप प्रकाश डाल पाए। देखो जी, हमारे जो गोरखा थे ना यहाँ पे, जब शुरू में स्टेट बना नहीं था उस टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह यहाँ के राजा बने थे। जी जी, उसी के उसी टाइम से हमारे यहाँ गोरखा यहाँ पे नेपाल से गोरखा लोग यहाँ से भर्ती शुरू होते थे। जी जी, हमारे नेपालियों को बेसिकली यहाँ पे सिर्फ फौज में काम दिया जाता था। जी जी, और फौज में होने के बाद में इनकी बड़ी इज्जत थी, इनका बड़ा मानता यही नहीं कि सिर्फ सिपाही या उसमें हो, यहाँ बड़े बड़े लीडर हुए हैं, बड़े जनरल हुए हैं गोरखास के, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं, उन लोगों ने यहाँ पे स्टेट के लिए नहीं वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी हिस्सा लिया था उन लोगों ने। जी जी, उनके लिए उनको जमीन दिया गया था इनाम के तौर पर, जागीरें दी गई थी इनाम के तौर पर, मतलब इनका रिश्ता जो था ना इतना तगड़ा था कि उनको एक गोरखालियों को पूरी मान्यता दी गई थी। जी जी, वो मान्यता जो इंडिपेंडेंस के बाद खत्म हो गई, उसके लड़ाई कर रहे थे तेरे उसके इसके आज हमको जाके मिली है। जी सर, इसके अलावा अभी तक का तो इतिहास ये हो गया कि आर्टिकल 370 से दिक्कतें आती थी, 35A से दिक्कत आती थी, ये दोनों को तोड़ दिया गया है, अब वहां पे गोरखाली समाज के लिए क्या संभावनाएं हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का पूरा जो खित्ता आता है, पूरा क्षेत्र आता है, यहाँ पे गोरखाली समाज के लिए आने वाले समय में इस तरह की मुश्किलें हो सकती है और क्या क्या उनके लिए सकारात्मक अच्छा हो सकता है? देखो जी, मुश्किलें तो जब तक ये अच्छे से पूरा लागू नहीं होगा ना कुछ कह नहीं सकते हम लोग, लेकिन हमको खुशी की बात यह कि अब हम यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं,
हम यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम फौज में जा सकते हैं, हम बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स में जा सकते हैं, हम स्टेट फोर्स में काम सकते हैं, और हमारे बच्चों को अब ये सुविधा मिलेगी कि हमारे बच्चे अब हायर एजुकेशन ले नहीं पढ़ सकते, नहीं तो अभी तक हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे, हमारे बच्चे नौकरी करने के बाहर जा रहे थे, स्टेट के बाहर थे। अभी हमको सबसे बड़ा फायदा है कि हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमको यहीं पे अपना काम नौकरी वोकरी मिलेगी। जी जी जी, चलिए सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई, और वहाँ पे जितने भी गोरखाली समुदाय के लोग सभी रहते हैं वो अपने आप को अकेला न समझे, अखिल भारत और विश्व भर में रहने वाले गोरखाली समाज लगातार उनके ऊपर निगाह रखे हैं कि वो भी बेहतरी से काम करे, देश के हर विकास के काम पे कदम ताल कर सके। सर आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।